गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है, आम आदमी पार्टी का साथ दे रहे भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता, उनका मकसद अपनी ही पार्टी को हराना है और वो उनके संपर्क में है। ये बहुत बड़ी बात है जो वो कह रहे हैं। हालांकि हमने देखा है चुनावी प्रचार के दौरान राजनीतिक बयानबाजी में इस तरह की बातें बहुत होती हैं, हमने पश्चिम बंगाल में देखा, महाराष्ट्र में देखा, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से जिस तरफ हवा होती है उस तरफ कई नेता चले जाते हैं और जो राज्य में जो भी पार्टी मजबूत होती है उसके नेताओं में निराशा होती है, आपस में काफ़ी सिर फुटबल होता है। अरविंद केजरीवाल इस एक फैक्टर पर बहुत काम करते रहे हैं, उनकी ताकत इसी तरह से बढ़ी है और आप देखेंगे जो भी छोटे दल जो प्रादुर्भाव में आते हैं अपनी ताकत बनाते हैं उनकी स्ट्रैटेजी यही होती है कि पुराने मजबूत दलों के कई नेताओं को, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ा जाए और अपने काडर को मजबूत किया जाए। बहरहाल आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले सकते हैं, ममता बनर्जी केंद्र से अलग होने के बाद, कांग्रेस से अलग होने के बाद अकेले गई थी पश्चिम बंगाल में, किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी ताकत बन जाएंगी। अचानक से उन्होंने नए कार्यकर्ता पैदा नहीं किए बल्कि जो वामपंथी दलों का खेमा खत्म हो चुका है पश्चिम बंगाल में उसी के काडर को उन्होंने अपने साथ ले लिया और ये उनका काडर बन गया। यही कोशिश बीजेपी की रही पश्चिम बंगाल में जब अपने पैर जमाने की कोशिश की, आपने देखा एक के बाद एक टीएमसी के नेता टूट कर आ रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी रणनीति होती है जब भी किसी राज्य में पहली दफा आपके लिए संभावनाएं बनती है और आम आदमी पार्टी के लिए कुछ ऐसी ही संभावनाएं गुजरात में दिख रही हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा दावा है, बीजेपी की परेशानी भी बढ़ सकती है यदि ये दावा सही सिद्ध होता है तो। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता उनकी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, वो छिपकर हमारा साथ दे रहे हैं, वो आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी को हारता हुआ देखना चाहते हैं। मैं उनसे भी भाजपा कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं जो अपनी पार्टी को हराना चाहते हैं वो गुप्त रूप से आपके लिए काम करते रहें। उन्होंने कांग्रेस के साथ भाजपा की सांठगांठ होने का आरोप लगाया। वहीं गुजरात के कई शहरों में सामने आए पोस्टर्स को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि जिन लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं वो राक्षस और कंस के वंशज हैं। केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताने वाले और उन्हें मुसलमानों की टोपी पहने हुए दिखाने वाले बैनर अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा शहरों में शनिवार को सामने आए। केजरीवाल की तस्वीरों के साथ कुछ बैनर्स में ये भी लिखा गया था, मैं हिंदू धर्म को उन्माद मानता हूँ, जबकि कुछ अन्य में लिखा था, हिंदू विरोधी केजरीवाल वापस जाओ। गुजरात के वलसाड में एक रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि हमें भाजपा के 27 साल के अहंकार को तोड़ना है, मुझे पता है कि आपके पास आपके व्यवसाय हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि आप उनके साथ रहें लेकिन गुप्त रूप से इसे हराने के लिए हमारे साथ काम करें। आगे कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डरने की जरूरत नहीं है, आप अपनी पार्टी छोड़ो और आप में शामिल हो जाओ, अपनी पार्टी को भूल जाओ। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में राक्षसों का वध करने तक का आह्वान कर दिया है तमाम कार्यकर्ताओं से। वो बार बार इस बात को सामने रख रहे हैं क्योंकि उनके जो पोस्टर लगाए गए थे उसके बाद उन्होंने पोस्टर लगाने वालों को यही संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा कि नए गुजरात के लिए हम सभी को एक होना होगा, पार्टी की परवाह मत करो, गुजरात के लिए काम करो, देश के लिए काम करो। उन्होंने दावा किया कि आप एक नई राजनीति, नई पार्टी, नए चेहरे, नए विचार और नई सुबह की शुरुआत करेगी। केजरीवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं का आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो लोगों के पास जाकर कहते हैं कि केजरीवाल अच्छे हैं, वो इस बार गुजरात में नहीं जीतेंगे, अगली बार जीतेंगे। अगर कोई आपको ऐसा कहता है तो उनको कहना कि अगली बार नहीं, इस बार ही केजरीवाल जीतेंगे। गुजरात में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। पार्टी ने दिल्ली और पंजाब के बाद अब गुजरात में भी जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान तीन चेहरे हैं, तीनों जमकर प्रचार कर रहे हैं। संजय सिंह भी आप इनमें शामिल कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा चेहरे नहीं हैं आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन ये लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पार्टी के तमाम दिग्गज नेता लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी पिच को तैयार किया है, ये सभी मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक टक्कर देती दिखाई दे रही है। अचानक वो ये नैरेटिव बनाने में कामयाब रहे अरविंद केजरीवाल के मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में हो रहा है। वजह क्या है? कांग्रेस का सक्रिय नजर नहीं आना, ये केजरीवाल के लिए मददगार सिद्ध हो रहा है। बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए इसीलिए आम आदमी पार्टी दिखाई देगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक छोटे से बिंदु में मैंने ये बात आपको बताई, लेकिन इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट बननी चाहिए और मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी राय रखें। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से निष्क्रिय इस वक्त गुजरात में दिखाई दे रही है वो अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ताकत देने वाला है?
पंजाब में तो सत्ता में थी कांग्रेस, और क्या हाल हुआ ये देखा। दिल्ली में भी इसी तरह से कांग्रेस से ही सत्ता ली थी, यानी कांग्रेस के विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। क्या गुजरात में ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इस बात का अंदाज़ा है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूती से टक्कर नहीं दे पाएंगे बीजेपी को, इसीलिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई ताकत को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं या अपरोक्ष रूप से समर्थन देते दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, एक एनालिसिस है, आपको क्या लगता है? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप इस पर ज़रूर अपनी बात लिखें। गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला होने के फिर भी आसार बताए जा रहे हैं, केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को कुछ आकर्षण मिल रहा है, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि गुजरात चुनाव आप और भाजपा के बीच ही लड़ाई होगी, जो नरेटिव आम आदमी पार्टी की तरफ से रखा गया है। आप ग्रामीण गुजरात में अपना जनाधार बढ़ाने में कामयाब रही है, आने वाले दिनों में कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर सकती है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन गुजरात में यात्रा का नहीं जाना या गुजरात पर ध्यान नहीं होना, इस पर कई राजनीतिक विश्लेषकों ने, खासतौर पर प्रशांत किशोर जैसे लोगों ने प्रश्न खड़े किए हैं कि चुनावी राज्यों को छोड़ देना ये एक बहुत बड़ी कमी दिखाई पड़ती है यात्रा की। अब ये मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, इसके आसार ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या थे और कैसे ये नतीजे 2024 में एक बदलाव की हवा को दिखाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 182 सीटों में से 99 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी, लेकिन ये बहुत समय बाद मौका आया जब 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए थे, 99 पर सिमट गए थे। हालांकि पूर्ण बहुमत था, कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी, और इस समय पर ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई बदलाव तो नहीं हो जाएगा। ये 77 सीटें जीतना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी थी। बीजेपी ने सरकार बना ली, इसके बावजूद गुजरात की विधानसभा से 77 सीटें उनके खाते में जाना, हालांकि बाद के लोकसभा चुनाव में वो कंपनसेट हो गया था, हमने देखा कितनी बड़ी जीत बीजेपी को गुजरात में मिली थी। फिर बाद में कई कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, भाजपा में शामिल हो गए थे क्योंकि भाजपा मजबूत दिखाई पड़ रही थी। 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े तो किए थे, लेकिन तब वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। इस बार भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की उम्मीद में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रही है। ये चुनाव अलग होगा, पंजाब से कॉन्फिडेंस मिला है, साथ ही साथ में कांग्रेस उतनी सक्रिय नहीं दिखाई दे रही है, बदलाव की एक संभावना दिखाई पड़ती है, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी मैं हर रिपोर्ट में बात करता हूँ। ये सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से इस वक्त आम आदमी पार्टी बहुत उत्साहित है गुजरात चुनाव को लेकर, और इसको बीजेपी भी हल्के में नहीं ले रही है। बीजेपी के भाषणों में जिस तरह अर्बन नक्सल या फिर अरविंद केजरीवाल के पोस्टर्स लग जाना, भले ही वो एंटी पोस्टर्स हैं, उनकी हिंदू विरोधी छवि को दिखाने की कोशिश की, ये सारी चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि जमीन पर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी का असर बीजेपी भी मान रही है, इससे इनकार नहीं कर रही है, लिहाजा बीजेपी भी अपनी टक्कर में अरविंद केजरीवाल को देख रही है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल का यह दावा कि बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं, उनके व्यवसाय को नुकसान न हो के डर से वो सीधे सीधे पार्टी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी को हराना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सुनने में ये चुनावी रणनीति का हिस्सा लगता है, एक चुनावी बयान लगता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं। क्या वो एंटी इनकम्बेंसी को पकड़ रहे हैं और इस मजबूरी को भी पकड़ रहे हैं कि जो लोग बदलाव चाहते हैं वो भी किस बात से डरे हुए? अब देखना होगा उनका ये दांव, ये पत्ता, ये कार्ड कितना काम करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।